अरे कोई मिले तो किसी से पूछे ना भाई, करना क्या यहाँ पे यार। Look, there is a rainbow outside. Guys, there is a rainbow outside. All set to leave this beautiful cottage. आज super duper windy है, हर तरह की wind warning in effect है। ये दिख रहा है कितनी तेज से हिल रहे हैं। अभी मैं दो मिनट पहले यहाँ मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है हर जगह। इधर देख कितनी तेज विंड लग रही है, देखा। ओ भाई, हवा का झोंका आया तेज एकदम। गार्बेज कैन भी गिर गए सारे। हवा की इतनी तेज विसलिंग साउंड आ रही है ना बाहर। तो आज की जो हमारी ड्राइव है वो ज्यादा नहीं है, कुछ 200-300 किलोमीटर ही है। आज ही हम लोग अपनी फेरी लेने वाले हैं न्यूफाउंडलैंड से वापस मेनलैंड कनाडा की तरफ। होपफुली फेरी में हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था मरीन फोरकास्ट में कि एक्चुअली में वार्निंग है हाई विंड्स, गेल फोर्स विंड। तो गेल फोर्स विंड्स के अंदर आई डोंट नो फेरी कैसे चलेगी, सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। कितने लोग वहाँ पे बेटा, तुम तो म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट सब बन सकते हो। धीरे इसलिए चल रही है क्योंकि वी आर ऑन द ग्रेवल रोड। और कितना धीरे चलाएं। ओके, वी गॉट गेटिंग अवर ब्रेकफास्ट एट टिम हॉर्टन्स। छोटी हो गई फिर से। हम लोग ना टिम होटल से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सब लोगों ने कुछ कुछ ले लिया एक्सेप्ट साक्षी। साक्षी कह रही मैं नहीं खाऊंगी टिम होटल पे, किसी को बताना मत। देखो क्या खा रही। मम्मी वाली फीलिंग आ रही है, मम्मी हर जगह अपना खाना ले जाते हैं ना, लग रहा मैं भी मम्मी बन गई हूँ। अभी तक नहीं थी, अभी तक नहीं थी, टिपिकल। तो कल रात की जब बची हुई आलू गोभी थी और हम लोग, हमारे पास रोटी पड़ी थी और रात वाली गरम करी, इनसे रोटी गरम कराना है। जगह मेरी रोटी गरम कर दो, कर देंगे सब्जी तो मैं गरम कर लाई थी घर से, रोटी नहीं। इनको बोल कर देंगे, मम्मी लेंगे। मन तो कर रहा है मेरा भी अपने घर की बनी हुई आलू गोभी के सामने। यहाँ पे स्कीइंग होती होगी विंटर्स में। ये कोई तो मोटेल है इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मिडवे मोटेल। दो चार स्कूल बस खड़ी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो क्या पर्पस है, स्कूल है या आसपास है क्या है। एक अजीब सा मोटेल है, ऐसी जगह जहाँ रात को रुकने में भी ना डर लगे। एक मूवी थी उसका नाम था वेकेंसी, आई डोंट नो आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो हाईली रिकमेंड, वो मूवी ज़रूर देखना। ऐसी एक मोटेल के ऊपर एक बंदा आके रुकता, एक बरसात पड़ा तूफान आके रुकता भाई, ऑलवेज ऑन द एज। मेरे पास 5-7 रूम लग रहे हैं यहाँ पे भाई। मैं हाईवे पे खड़ा होता हूँ, आप देखना कितनी देर बाद यहाँ से गाड़ी निकलती है कोई। देखो कितनी सुनसान जगह पे हम ना, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, एक ये गाड़ी एक जा रही है। अगली गाड़ी कोई नहीं आ रही। बट देखो ऐसे मिडल ऑफ नोवेयर पे भी, ऐसे खंडर सी जगह पे भी गाड़ी चार्ज हो रही है भाई। चार्जिंग यहाँ पे है, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई।
अभी ना हम एक जगह से होके गुजर रहे हैं जिसका नाम है रेक हाउस, मतलब नाम ही है रेक हाउस। वो जगह पे वो बड़ी फेमस है जगह बहुत हाई विंड्स के लिए, यानी 200 किलोमीटर पर आवर तक जब वहाँ पे 60 हो जाती है विंड, तो ट्रक्स वगैरह को तो अलाउ नहीं करते, उनको बोलते हैं रुक जाओ, क्योंकि वो ट्रक इतना बड़ा होता है ना सरफेस एरिया उसका कि विंड से वो पलटने का डर होता है। इन्होंने परमानेंटली लगा रखा है ट्रेलर्स और कैंपर्स के लिए गस्ती विंड के नेक्स्ट 20 किलोमीटर। विंड वार्निंग, विंड रीडिंग हैव बीन रिकॉर्डेड टू गस्ट इन एक्सेस ऑफ 200 किलोमीटर। भाई ये व्यू देख यार, रेनबो, एक तरफ तुम्हारी पानी है, साथ में पहाड़ है और एक रेनबो भी नजर आ रहा है। रेनबो रोड कन्वर्ट्स इनटू अ डर्ट रोड। ओके, ये थी जी हमारी लास्ट चार्जिंग न्यू फिनलैंड में। थैंक यू न्यू फिनलैंड हाइड्रो। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का एक्सपीरियंस चार्जिंग का इतना ज्यादा स्मूथ रहेगा। ये है भाई लास्ट ब्यूटीफुल व्यू न्यूफाउंडलैंड का, इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल। और यहाँ पे लगा रखा है एक साइन, आई लव न्यूफाउंडलैंड, आई लव न्यूफाउंडलैंड। एक और चीज का मुझे बहुत डर था, वो ये था कि अगर टेस्ला कहीं रस्ते में खराब हो गई न्यूफाउंडलैंड या लैब्राडोर में, क्योंकि आइलैंड है और यहाँ पे टेस्ला का कोई सपोर्ट नहीं है। आई मीन वो प्रोवाइड कर देंगे, उनको यहाँ पहुँचने में कई दिन या कई हफ्ते भी लग सकते हैं, तो अगर गाड़ी कहीं गलती से ख़राब हो गई तो मेजर पंगा है। बाकी कनाडा में कहीं भी हो तो वो बहुत जल्दी मोबाइल सर्विस अपनी भेज के उसको यू नो फिक्स कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फोर्ड या शेवी की गाड़ी जिसमें भी जिसके मैकेनिक हर जगह मिल जाए, टेस्ला के उसी के अपने टेक्नीशियन है। तो हम फिंगर्स क्रॉस पूरा न्यू फिनलैंड हम लोगों ने कवर किया, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत आई नहीं। खैर गाड़ी भी नई है हमारी, बिल्कुल अभी तो 5-6 हज़ार किलोमीटर ही गाड़ी ने किया है। बाकी इस ट्रिप के हमारे 4200 किलोमीटर्स हो गए, तो हम लोग सोच रहे थे कि 2000 होंगे हमारे सिडनी तक, बाकी 1000 किलोमीटर हम करेंगे न्यू फिनलैंड के, तो 3000 किलोमीटर की ट्रिप होगी। लेकिन क्योंकि अब लोकल भी कोई 50 किलोमीटर इधर चले गए, 100 किलोमीटर इधर, 200 ही तो इधर, करते करते हमारी 4200 किलोमीटर हमारी क्रॉस हो गई गाड़ी, जो हमारा टारगेट था 3000 का। आज हम बड़ी जल्दी आ गए ना, 4 घंटे जल्दी आ गए, गाड़ियाँ हैं ही नहीं अपने आगे, विच इज रियली गुड एक्चुअली। आगे आगे लगा देंगे गाड़ी। सो यहाँ ना अपनी गाड़ी लगा के यहाँ लगा दिया, और ये पीछे टर्मिनल है, वहाँ चलते हैं, क्योंकि अपने को अभी शिपिंग में, ये पीछे पड़ा है ना शिप, ये खड़ा हुआ है पीछे शिप, इस शिप में बोर्ड होने में तो अपने को एटलीस्ट 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 2 के 3 भी लग सकते हैं। भाई गजब वाली ठंड हुई पड़ी है, इस टाइम 10 डिग्री टेम्परेचर है, फील्स लाइक 4 होगा अभी इस टाइम, गर्मियों में 4 डिग्री। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सारी अंडरग्राउंड थी, इसमें ना काफ़ी बाहर ओपन में भी है पार्किंग काफ़ी, ये ट्रक व्रक सारे ओपन में खड़े हुए हैं, डिफरेंट है ये। इस वाले का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो हम पहले वाले को गए थे ना, दैट वाज ओके। बैठने के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है, कहीं और जाना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है, बहुत भीड़ है आज हमारी। इससे नीचे इसी में है मेरे ख्याल से गाड़ी हमारी, हाँ, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है नहीं, हमारे तो टॉप वाले पे ही है ना गाड़ी। इज 11:13, अभी और आधे घंटे में स्टार्ट होगा ये। मैं खुद ही हिल रही हूँ बनाते हुए। सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दो ना, इस तरह से चढ़ना शुरू करो, यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते तक ना इस तरफ पहुँच जाते हो तो सही। वैसे ले नशा चढ़ रहा बिल्कुल, मेरे को होली याद आ गई गुड्डू। शुरू हो गए हैं।
Hey, what's the time? Do you know what's the time? 7:40. 7. Look at the view. Oh, bhai. Bhai, kuch bhi kaho. Jo bhi Atlantic provinces hai na, they are like incredibly beautiful. Ravish ko aage nature's call and he can't wait, so we stopped on the highway. Everything is fair and love and war and crashed. Sanitizer view. McQueen car, Sam ki favorite. Aaj dekha kya likha hua? Haryana. की गाड़ी से भाई इसी बात पे लाइक बनता है वीडियो पे, सारे रहने वाले लाइक कर दो। ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन, कैंप ग्राउंड विद अ के। कैंप ग्राउंड अमेरिका में है, अमेरिका में हुआ है। ओके, ये जी हमारे आज का होटल तो नहीं कह सकते इसको, दिस इज लाइक अ कैंप ग्राउंड बट स्लाइटली डिफरेंट। By the way, हम लोग अभी Halifax पहुंच गए हैं। This campground is just outside Halifax. Okay, ये हमारी साइट है and this is our cabin, our home for tonight. Wow, it's like a proper swing. Yeah, it is a swing. Sam Max is opening the door. It's two bunk beds. Ooh, nice. दो बंक है तो कोई ले लो यार, एक तू ले के वो ले ले। ये स्पॉइलर है, क्या चीज है ये? स्पॉइलर अलर्ट है। ये स्पॉइलर है या स्पॉइलर अलर्ट है? एंटर करते ही इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। यहाँ पे एक होमलेस टेंट सिटी बनी हुई है हैलिफैक्स में, जो इस टाइम पूरे कनाडा में एक्चुअली काफ़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही है। हर जो डाउनटाउन सिटी है वहाँ पे इस तरह के ना टेंट लगे हुए हैं। कुछ तो पार्टी शार्टी चल रही है भाई, डांस वांस है। कोई मिले तो किसी से पूछे ना भाई, करना क्या यहाँ पे यार, कोई मिले तो पूछे। कोई मिल नहीं रहा यार, क्या चक्कर है भाई साहब यार, क्या है घूमने का क्या यहाँ पे? अरे सर बहुत कुछ है। तो मैं बिग फैन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। मिस्टर कंडा फ्रॉम कंडा व्लॉग्स। सभी कांदा बोलते हैं, नहीं तो ये प्याज वाला कांदा बोलते हैं सब। सबको, काफी लोगों को ये भी लगता है कनाडा का मैंने कांदा बना दिया। बिगेस्ट यूट्यूबर फ्रॉम द अटलांटिक। अरे सर नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, बहुत फॉलो करता हूँ इनकी वीडियो, बहुत मजा आता है देखने में। तो मोहित ने कल इंडिया निकलना है, सुबह 8 बजे इसकी फ्लाइट है, रात को भी 8 बज चुके हैं। मिल लेते हैं एक बार जाने से पहले, क्योंकि हमारा भी पता नहीं फिर इस तरफ कब दोबारा चक्कर लगेगा। मैं कहा डन है बिल्कुल,
तो मिलना तो था ही, क्योंकि जब रविश भाई की मैंने पहले ब्लॉग देखे कि ये नोवा स्कोशिया आ रहे हैं, तभी मैंने इनको मैसेज कर दिया था भाई अगर आ रहे हो तो मिलकर जाना है, दोबारा पता नहीं कब मौका लगा। हमने एक कोलैब एक ऑलरेडी किया था, याद है? हाँ, वो पहले था जब हमारी वो कुछ वर्चुअल, हाँ वर्चुअल, हाँ वर्चुअल कोलैब किया था एक बार जब वो इंडिया में थोड़ा इशू चल रहा था ना कोविड का, तो हमने फंड रेजर किया था, उसमें कई सारे क्रिएटर्स जुड़े थे जिसमें मोहित भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी से हमारी बात हो रही है, तभी हमने पहली बार हमारी बात हुई थी, लेकिन बढ़िया लगा आज मिलकर। और आज थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पर, तो एक दो और जगह है यहाँ पर, जैसे पैगिस कोव हो गया आपने, मे भी आपने जब रिसर्च कर रहे होंगे आपको पता चला होगा, वो भी बहुत सुंदर जगह है, अगर आपने एक बार जाना है वहाँ पर जाना। पैगिस कोव तो लिस्ट में है ही। कैन यू कम फ्रॉम देयर, कैन यू स्लाइड फ्रॉम देयर? या ओके, डू इट, देख के बेटा कोई बच्चा ना हो आगे। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, दिस इज जैस्मिन, मोहित फ्रेंड। तो मैं ये बता रहा था, सोच रहा था कि हम लोग अभी न्यू फिनलैंड घूम के आए, न्यू फिनलैंड में सेंट जोन्स का थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए, हमें ऐसे लग रहा था कि हम माइनॉरिटी में हैं। नहीं, नॉट इन द रॉन्ग वे, कि हमारे ना मतलब हम ऐसे लग रहा था कि विजिबल माइनॉरिटी हमें लग रहा था, यहाँ वैसा नहीं लग रहा। टोरंटो में तो बिल्कुल नहीं लगता, ब्रैम्पटन में तो खैर लगता ही नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे, आपको वैसे क्या लगता है, यहाँ पे देसी पॉपुलेशन काफी है ना? बहुत है पॉपुलेशन। छोले भटूरे खाने हैं? हाँ भाई, कुछ तो देसी खाना है हमने। नहीं, आपने इंडियन रेस्टोरेंट जाना है? ये बड़े दिन हो गए इंडियन खाए हुए यार, हमारे को बड़े दिन हो गए। तो बहुत बढ़िया आ रही है यार, इतने दिन बाद इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए ना, ऐसे लग रहा है बढ़िया खुशबू, बस आने दो, अब आने दो खाना। मतलब ऐसे कई कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं ना, में दिखावा बहुत ज़्यादा किया होता है, एम्बियंस पे सारा मेहनत, यहाँ ऐसे लग रहा है कि देख के अभी खा। हाँ, इंडिया में आप किसी उसमें नहीं ना, तो शादी के हॉल होता है जैसा, बिल्कुल शादी के हॉल वाली फीलिंग आती है। इनकी प्राइस रीजनेबल है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो भी यहाँ पे मिलता है। स्पाइसी है यार, बट टेस्टी है, ये बहुत कम खाती है, मैं तो खाता हूँ स्पाइसी, मुझे स्पाइसी पसंद है। वो ये ऐसे नहीं लग रहा किसी किसी एंगल से, ये बोट सी बनी हुई है, बनाई हुई है इन्होंने यार, क्या सही डिजाइन है यार, ये ऐसे सेल बोट है ना, सेल सेल लग रही है। यहाँ पे बोट बनी हुई है, ये इधर ना ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं, ये रॉक्स रखे हुए हैं, अलग अलग कंट्री से रॉक्स लेकर आए हैं, वो सारे इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कौन सी कंट्री के रॉक है, वो अंदर यहाँ पे बंद करके वहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज का बंद करके रखे हुए हैं, ये आगे हवाना की ये रॉक्स है, ये भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया पहली बार देखा है ऐसे। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुड्ढी के बाल एंड आइसक्रीम, है ऐसे ही है ना? हाँ, लग तो वही है, बुड्ढी के बाल एंड आइसक्रीम। गिव मी अ स्मॉल। ओह गुड, दैट्स नाइस। आई बेट, चलो बाहर आ जाओ। क्या मत देना, स्मोर्स लेकर आए हो? स्मोर्स, और ये बढ़िया यार, मूछे लगा के ज़्यादा बढ़िया यार। इधर जाओ, सब लोगों ने ये बुड्ढी के बाल को अपनी बुड्ढी की मूछे बना ली है सब। अब इसको बनाओ और खा लो। ये सारा समक्ष का आइडिया था। One second ago I had a goatee, now I shaved it all off. खा ली मैंने। मैं भी खा ली इसको। मूछे खा ली भाई। तो हमने दुबई में वो हम बर दुबई गए थे, जो हमने वो ली थी बोट ली थी, ऐसा सही नहीं बिल्कुल याद आ रही उसकी। तो अभी चलने का टाइम आ गया है, बड़ा ही मज़ा आया, हमने अभी एक राउंड अभी कर लिया हेलीफैक्स का, एक और राउंड करेंगे यहाँ पे, वाटर फ्रंट पे भी आएंगे और भी बड़ी सारी अट्रैक्शन है घूमेंगे, बट आज शुरुआत मोहित और जैस्मिन ने बड़ी अच्छी करवा दी हमारी घूमने की, खाना भी हमने बहुत बढ़िया खा लिया। थैंक यू सो मच। अरे आपका थैंक यू आने के लिए, और बहुत मजा आया, बहुत बहुत प्लेजर इज ऑल आवर्स। अरे सच में बहुत मजा आया, स्पेशली आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। रख लो, रख लो, सो मच, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर। हाँ, ये बंदा बिल्कुल धुत है, बिल्कुल गिरा के गिरा, अभी अभी गिरा के गिरा।
किसका फोन है ये? तुम्हारा फोन बज रहा है। पता नहीं किसी का अलार्म बज रहा है, कोई उठना नहीं चाह रहा कि किसका अलार्म है। जिसका है उठो, बंद करो यार। हेलो, मेरा नहीं है, मेरा फोन मेरे हाथ में। भाई कर दो यार बंद। समक्ष उठ जा बेटा, फोन बंद कर दे यार। चैन कोई नहीं उठता जा रहा, सब थके पड़े हैं पूरी तरह। कहाँ है, कहाँ? उधर से आवाज आ रही है, उधर से। ये अपने आप में ऐसा स्टॉप करता, सीधी स्टॉप गूगल करता जैसे? नहीं करता। बदतमीज सीरी।